बाबर जीजा थे हमारे, इंडिया इंडिया के, इंडिया के जीजा थे वो। अरे इनकी आप सुनिए तो, इनका डेटा आ गया, बाबर इंडिया के जीजा थे, भारत के जीजा थे बाबर, इनके हिसाब से, इनके जी, 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 जी। नहीं आपने बोला अभी मुगल की माँ, ये बोला कि नहीं बोला, किस किस ने सुना वो हाथ खड़ा करे, नहीं नहीं सुना नहीं, अरे उनके अंदर की बात आ गई ना। शोएब भाई यही है लव जिहाद। आपकी जो मानसिकता है कि विदेशों से आक्रांता आएंगे, सुनिए इसी मानसिकता के कारण आज हमारा देश भुगत रहा है, इसी को लव जिहाद बोलते हैं। अच्छा। आपकी मानसिकता है कि विदेशी आक्रांता, बर्बर आक्रांता यहाँ पे आकर हिंदू बेटियों के साथ शादियां करें या फिर उनको इनवैलिडेट करें, उनको आप बोल रहे हैं कि भारत का जीजा है बाबर, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारे जीजा बाबर कैसे हो सकता है? बताता हूं। भारत की बेटियों के ऐसे वर नहीं होते थे भाई, हमारे यहाँ स्वयंवर होते थे, हमारे यहाँ वर चरित्र पे चुने जाते थे। हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। सुनिए, मुगल बादशाहों ने क्या यहाँ के हिंदुओं से शादी की? आप इत्मीनान से अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए, खड़े होकर बोलिए। लड़कियों को फंसाते हैं, खड़े होकर बोलिए। इनमें से ही एक ये भी है, यही है, ये आपका, ये आपका कहना है, ठीक है? आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो मानसिकता जहनियत में आप बता रहे थे शुरू के अंदर, जो डेटिंग साइट पर जो आफ्ताब मियां ने जो लड़कियों की सर्च की है उसमें 20 लड़कियां हिंदू थी। हाँ। मुस्लिम लड़की क्यों नहीं थी, पूछे जो जी खड़े होके बोलिए। जी आप एक सेकंड एक एक करके अपनी बात रखें। मीडिया पे आप ये बात बोल के हंस रहे हैं, दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड, दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। आप भारत में रह के आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आपको पता है बाबर कौन थे? आपको पता है बाबर कौन थे? दिस इज नॉट द राइट वे सर, दिस इज नॉट द राइट वे। अच्छा मैडम, आप प्लीज शांत होइए, उनकी आपत्ति, आप हंस क्यों रहे थे? मैं एक सेकंड, अश्विनी जी एक सेकंड बोलिए। आपको 30 सेकंड मैंने दिए, एक तो आपको पहले अपने शब्द वापस देने चाहिए, दूसरा आपको हंसने का क्या मतलब था? हंसने का क्या मतलब था? ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा एक सेकंड, बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन ली। इसमें यहाँ से आपत्तिजनक कुछ नहीं है, मुगल के राजाओं ने हिंदू से शादी की। नहीं नहीं सुनिए, ये बताइए अकबर, ये आपत्तिजनक है? बाबर हिंदुस्तान का जीजा कैसे हो सकता है? लुटेरा बाबर कैसे हिंदुस्तान का जीजा बोल रहा है? अकबर ने, मैं आप बैठिए, मेरा निवेदन है, हमारा जीजा नहीं था वो। अरे इनसे पूछिए ना, होगा आपका होता होगा, हमारा नहीं था, हमारे लिए आक्रांता था। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मेरा निवेदन है, ऑडियंस मैं जान रहा हूँ। मैडम आप देखिए, आप शांत होइए, आप लगातार बीच में बोल रही हैं, आपसे भी निवेदन है, आप लगातार, अब अमित मुझे आप बोलने शोएब जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी बात को, आप अपनी बात को सीमित दायरे में रखिए और संभल के रखिए, मेरा निवेदन फैक्चुअली रख रहा हूँ, किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अब मैं आपको मौका दूंगा ना, आगे किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। आपको मौका दूंगा, सुनिए अमीश, किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं। अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, हिंदू धर्म से थी, तो जो उनके जो जो राजपूत थे राजस्थान के, जो जोधाबाई के जो ये भाई थे, ठीक है ना, अरे बाबर कहां, अकबर कहां भैया, वो तो यहां से बाबर की बात ही होगा ना, अकबर कितने बाद में आया, वो तो जीजा ही हुआ ना, डिलेल आपने करने की कोशिश करी है, हुमायूं का लड़का अकबर, अरे क्या बात कर रहे हो, बाबर को, अरे बाबर की बात हो रही है। देखिए मेरे साथ तीन मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है, अब एक सेकंड, एक हिंदू समाज में मेहमान है जो बोले नहीं है, एक सेकंड, इंटरफेथ मैरिजेस हुए, अच्छा ठीक है, हुए कि नहीं हुए, एक सेकंड सर, आप हुए ना, मैं आपको मौका दूंगा मैडम, सर बोले नहीं है, रशीदी साहब ने बोला, जोधा भाई कौन थी, अरे जोधा भाई कौन थी, बाबर था, क्या बात कर रहा है, एक सेकंड मैं बताऊं कौन था, आपकी बात तो यहाँ मुगलों ने यहाँ पे इंटरफेथ मैरिजेस किए, एक सेकंड सर, सर 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 सलीम की माँ कौन थी, सर 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 ये वही बात है कि हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से, कोई जस्टिफाई नहीं किया, इन्होंने कहा जब एक बातें यहां से, उन्होंने इतिहास की तो मैंने इतिहास कोट किया, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं करा, बात को आपने, इन्होंने इतिहास कोट किया तो मैंने इतिहास कोट किया, आपने तो इतिहास का ई भी नहीं आपने बोला, इसलिए मैंने कहा बाबर हमारा नहीं है, आप बाबर आफी का है, और अकबर भी आफी के हैं, ठीक है, मुगलों का रिश्ता मुसलमानों से नहीं था, मुगलों का रिश्ता राजपूतों से था, देखिए बात आप समझिए, गलत टेरिटरी एंटर कर रहे हैं, क्या मुगलों का रिश्ता राजपूतों से नहीं था, देखिए सबसे पहले तो इंटरफेथ मैरिजेस नहीं था, ये क्या तरीका है, किसे आप बोलने देंगे आप, ये कमाल बात है, अरे आप इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं, कड़वी बात बोल देता हूँ, थोड़ी सी मिर्ची और लगेगी, ये मानसिकता दर्शाती है कि आप किस सोच के लोग हैं, मुगल यही मानसिकता दिखाती है, अब आप किसी को बोलने नहीं देंगे, एक अपनी बात को बोल रहे, फिर वो पहली बार बोल रहे हैं, एक मिनट बीजिए, यही मानसिकता दिखाती है कि कैसे गजवाए हिंद करना है, कैसे हिंदू बेटियों को बहुओं को अपने धर्म में लेना है,
उनसे संतानों को पैदा करना है और उसको मुसलमान बनाना है, यही इस्लाम है। जो इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है, मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, अभी दो दिन पहले ही दुबई से आया हूं, वहां ऐसा नहीं है, वहां ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम यहाँ के मुल्ले मौलुओं का बनाया हुआ है। ये बिल्कुल, तुमने क्या कहा, तुमने कैसे चीजें कहा, तुमने कैसे चीजें कहा, तुम कैसे चीजें कह सकते हो, तुम्हारा चीजें हो सकता है, हमारा चीजें नहीं हो सकता, तुम्हारा चीजें फट जाएगा बेटा। अरे चुप करो, अरे चुप चुप, अरे चुप। आप इसको निकाला नहीं है बाबर, मिर्ची लग गई, मैंने कहा था एक शब्द बोलूंगा और मिर्ची लग जाएगी, तो मैं डिबेट नहीं करूंगा।